हेलो एवरीवन, केमती अच्छा समस्ते? आशा कर समस्ते भले थे। आज आम हेरिडिटी और एनवायरमेंटर तार किसी रिलेटेड क्वेश्चन रोज टॉपिक रो से क्वेश्चन ऊपर आम डिस्कशन करवा भिविडली जल्दी जल्दी जोड़ी ही तो आ क्वेश्चन आंसर गुड़ आम भिविडली बुझा केमिका कौन क्वेश्चन क्वेश्चन मागुची आ क्वेश्चन रनसर केमिका करवा एलिमिनेट एलिमिनेशन केमिका करवा बड़ बहुत बड़ कथा एलिमिनेशन करवा आमको क्वेश्चन रो तो आंसर गुड़िक तो लगे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगे कि चूज करवा बहुत बड़ कथा जी कौटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्प्ले उपरे शो होची हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए व्हिच टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन गुड़िक रोचे डायनामिक, सेकेंड ऑप्शन प्राइमरी, थर्ड ऑप्शन सेकेंडरी, फोर्थ ऑप्शन स्टैटिक। सो हेरिडिटी कंसीडर कराई छी कौन प्रकार सोशल स्ट्रक्चर आम पूर्व पढ़ीचे जे जदि हेरिडिटी देखा से गोटे स्टैटिक फैक्टर आउ जदि एनवायरमेंट देखा से गोटे डायनामिक फैक्टर अर्थात आम हेरिडिटी जहाँ भी रोचे ऑफस्प्रिंग्स को जहाँ भी आसूची पेरेंटल जहाँ जेनेटिक्स आसूची 23 पेयर नंबर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अर्थात 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहाँ भी आसूची बापा उमाँ पाखु मेटरनल साइड पेटरनल साइड रु जहाँ भी आसूची गोटे पिला पाको सेटा सब स्टैटिक रुहे स्थिर रुहे किंतु जदि एनवायरमेंट देखा एनवायरमेंट क्षेत्र में सेटा बदल थाए कहीं पिला तार एनवायरमेंट तो सब समान रही नए ना केत एनवायरमेंट डिफर करता है गोटे पिला गोटे एनवायरमेंट रु आउट एनवायरमेंट जाउची आउट एनवायरमेंट रु आउट एनवायरमेंट जाउची ये जो बार 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 गोटे एनवायरमेंट चेंज करे किंबा तार सेंतिका सर्कमस्टेंसेस किंबा तार परिस्थिति किंबा तार सिचुएशन किंबा तार एनवायरमेंट बार बार जब चेंज है कि जे भाया से एनवायरमेंट रहा तो से भाया मानसिकता आसवे आचरण एवं व्यवहार आसो तर से भाया एप्रोच आसो थिंकिंग आसव कार्य कर शैली कि कार्य कर दक्षता भी अनुरूप भाव हेब तो जदि एनसर देखा एक नंबर एनसर टी कौन आसब ना स्टैटिक। देन सेकेंड क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर टू कौन रोच न्यू बॉर्न बेबी विल बी ए बॉय इफ इट इज इट हैज सो गोटे छोट पिला तार तो जेंडर आम देखा जदि तार जेंडर जदि क्रोमोसोम देखा ताले कौन हम जदि से गोटे पिलाटी जदि बॉय होइतिबो ताले तार क्रोमोसोम जदि क्रोमोसोम टे कौन आसिबो ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर बी वाई वाई क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर सी एक्स वाई क्रोमोसोम ऑप्शन नंबर डी दैट इज डेटा कैन नॉट बी एक्जिस्ट। सो देखो ये गोटे जिनस मुझे क्लीयर कर दूसरी आपण मैंने भी बहुत कमन क्वेश्चन यहाँ बहुत कमन क्वेश्चन समस्ते ही जानते एनसर टी कौन आसब ना एनसर आसब एक्स वाई क्रोमोसोम जदि मेल रसूची एक्स वाई क्रोमोसोम जदि फिमेल रसूची देन एक्स एक्स क्रोमोसोम सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री को जी क्वेश्चन नंबर थ्री कौन मगुची डिस्प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कौनटा गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे पर्सनालिटी रो फर्स्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंट सेकेंड ऑप्शन इज हेरिडिटी थर्ड ऑप्शन इज बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट देन लास्ट ऑप्शन इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी गोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो किए गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे जो देखा डेवलपमेंट हूँ गोटे तार रोल प्ले सिग्निफिकेंट रोल किए किए प्ले कर ना दुईटी जाक बोथ हेरिडिटी भी एनवायरमेंट भी रोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्ले ए वाइटल रोल और सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रोज ह्यूमन सेप डिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गोटे मनीषर ओके 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 या ह्यूमन सेप डिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गोटे मनीषर केते नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रही ऑप्शन नंबर 1 71 देन 23 देन 64 देन 46 कौन आसीबो आंसर टी कौन आसीबो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन गोटे मनीषर तार क्रोमोसोम संख्या केते 46 यदि डिस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम था एनसर टी कौन होता 23 ही था बिकज 46 होल डिवाइड बाय 2 जदि करिबा ताले केते आसीबो ना 23 आसीबो तब जदि पेयर्स देखिबा तो जोड़ा
23 जोड़ा है लेकिन 46 सो दैट ह्यूमन सेल क्वेश्चन अनुजाई क्वेश्चन अकॉर्डिंग रे हमें आंसर कौन आसीबो ना 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेस बहुत टिपिकल क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन डेवलपमेंट कहार प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट जदि देखिबा फर्स्ट ऑप्शन गुड़ी आगे देखि देबा एनवायरमेंट लोन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑप्शन नंबर सी हेरिडिटी अलोन देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेरिडिटी और एनवायरमेंट जदि प्रोडक्ट हम ताहले जाई सेटा डेवलपमेंट को सूचेब देखि दियंतु वेट ए बिट जस्ट वेट ए बिट लेट मी फाइंड आउट या हियर आई थिंक यस 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 गॉट इट सो वी आर नथिंग विदाउट हेरिडिटी इन एनवायरमेंट मुई प्रीवियस क्लास रे नहीं थी जे डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जदि हमें हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट को जदि हमें गुणन करिबा ताहले कौन पाइबा डेवलपमेंट पाइबा सो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ओके यस देन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिबा आम क्वेश्चन दे आमको भयभीत होबार नाही फियरलेस है कि क्वेश्चन अटेम्प करिवार अछि क्वेश्चन को भल से पढ़िवार अछि बुझिवार अछि कंसंट्रेट है कि पढ़िवार अछि लास्ट पर्यंत जे क्वेश्चन कौन मागुछि काहेकि ना गोटे गोटे क्वेश्चन रे एमतिका कौन थाए जे हमें इजी क्वेश्चन तो हमें इजी क्वेश्चन ने बेसी भूल हुए आउ देखिबे गोटे गोटे क्वेश्चन आपन को बड़ बड़ क्वेश्चन थिबो कि लेखा बहुत बड़ बड़ थिबो किंतु क्वेश्चन किछि नथिबो गोटे मीनिंगलेस क्वेश्चन थिबो किंतु ताकू ही आमको डिफिकल्ट लगे ये कहीं आम पेसेंस न था पढ़ापी तो से पेसेंस रखिवार अच्छी पढ़ापी फास्ट ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड तो देखु क्वेश्चन इंपोर्टेंट आमको जो भोकाबुलरी देखिबार अछि भोकाबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजी रे भोकाबुलरी चेंज तो आपनकर स्टेटमेंट चेंज यदि वर्ड चेंज होउछि तो साइकोलॉजी रो सेंटेंस चेंज होउछि गुटे गुटे वर्ड उपरे खेल तो वर्ड को नहीं कि साइकोलॉजी रो स्टेटमेंट गठि दउछि तो कोउटा गुटे ट्रू स्टेटमेंट कहा उपरे ना रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हेरिडिटी एनवायरनमेंट गोटे डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड चाइल्ड रोटे डेवलपमेंट हेरिडिटी एनवायरनमेंट रो कौ रोलटा कौ स्टेटमेंटा करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए देखिबा द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पियोर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव जदि देखिबा हमें रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पियोर्स मीन्स पियोर्स माने आपनकर सेम लेवल रो जदि आपन 10 क्लास रे पढुचो कि 8 क्लास रे पढुचो आपनकर 8 क्लास रो जदि 100 पाठी आपनको मिलि गले किंबा 10 क्लास रे जदि पढुचो आपनका फ्रेंड सर्कल मिलि गला आपनका लेवल तो से माने हला आपनकर पियर्स ग्रुप एंड जीन्स माने सेटा पियर्स माने हमें वन टाइप ताको हेरिडिटी कहि पारिबा हेरिडिटी गुटे एनवायरनमेंट कहि पारिबा पियर्स मींस ताको हमें गुटे एनवायरनमेंट कहि पारिबा गुटे एनवायरनमेंट रे जो पिला रहूची जो पिलांक सहित मिसुची किंबा जो पिला तार जो कमरेड तार जो सहपाठी तार जो साथी मानक सहित मिसुची फ्रेंड सर्कल सहित सो प्रतिदिन कथा होउची किंबा ताको लेवल रो पिला मानक सहित से खेळुची बुलुची पाठ पढुची जहाँ भी किछीटा तारो शेयर करुची थॉट्स तांको तांको भितरे जहाँ थॉट्स शेयरिंग वे एंड जीन्स जीन्स टा कोन ना जीन्स जे गुटे पार्ट ऑफ हेरिडिटी गुटे हेरिडिटर गुटे पार्ट गुटे जीन्स गुटे ट्रांसफर हुए जीन्स आर नॉट एडिटिव जदि देखिबा से माने कोन ना एडिटिव न होंती कंट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव एक्चुअली तो से माने एडिटिव न होंती ना
ସେମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିନ୍ସ, ଓକେ ସରି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ସୋ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେମାନେ ଏଡିଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କରେକ୍ଟ ସୂଚାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଯିବା ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ହେରିଡ଼ିଟି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ଅପରେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ନା ଏଇଟା ତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅପରେଟ୍ ତ ହୁଅନ୍ତି ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ଡୁ ନଟ୍ ଅପରେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେରିଡ଼ିଟି। ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ବିହେଭ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ୱେ, ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଯେମିତିକା ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ତାର ପ୍ରକୃତି ବା ତାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି, ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ନା ଭୋକିବା, ଡଗ୍ ବାର୍କ୍ସ, ବିଲେଇ ତାର ଯେମିତିକା ରହୁଛି ମିଓ ମିଓ ହବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଟା ତାର ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ତାଙ୍କର ନେଚୁରାଲ୍ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ରହିଲା, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ସେଟା ତ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନା। ତମେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କୁକୁରକୁ ଯଦି ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରିବ ସେତିକି ହେଇପାରିବନି, ତାର ସେଟା ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସିଏ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାର ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତା ଜେନେଟିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ତାର ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ହଉ, ସେ ସେଇ ତାର ସେଇ ଗୁଣଟି ବିକଶିତ କରିଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରପେନ୍ସିଟି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେରିଡ଼ିଟି। ଯଦି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରପେନ୍ସିଟି ଯଦି ନେଚୁରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସିଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କରୁଛି ହେରିଡ଼ିଟିକୁ, ନୋ, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେରିଡ଼ିଟିକୁ କେମିତି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କରିବ, ହେରିଡ଼ିଟି ସହିତ ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନ ମିଶିଲା ତାହେଲେ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୂଚାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ତାର ହେରିଡ଼ିଟି ୱିଥ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସାଇମେଣ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ପ୍ଲେ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ଅର୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍, ଦେନ୍ ୱିଥ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ଦେନ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିକୁ ଯିବା, ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ 50% ଇଚ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସେମିତିକା କିଛି ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଧରଣର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏନାଲିଟିକାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ 50%, 50% କେମିତିକା ହେଲା, ଏମାନେ ତ 100% ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡରେ, ନୋ। ସୋ ଯଦି ଏନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଏନ୍ସର୍ ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେଠି ଲେଖିଦେଇଛି ନଟ୍ ଏଡିଟିଭ୍, ଏଡିଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନା, ଯଦି ଏଡିଟିଭ୍ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି କହିଦେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା, ତ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆସିହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେରିଡ଼ିଟି ଇନ୍ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରମଜମ୍, ଜାଣିଛୁ ଆମେ 23 ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରମଜମ୍ସ, ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର୍ ଡିବେଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ନେଚର୍ ଆଉ ନର୍ଚର୍ ଦୁଇଟା ଡିବେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର କାହାକୁ ରେଫର୍ସ କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି, ଫୋର୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି। ସୋ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିବ ନା ଜେନେଟିକ୍ସ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ନେଚର୍ ଆଉ ନର୍ଚର୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗଠିତ।